हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डार्कनाइट मेटल का एक और एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि हॉकमैन आखिर गायब कहाँ पर हुआ था और वो आखिरकार बार्बाडोस का ड्रैगन बना कैसे और उसके नाइटमेयर्स के पीछे क्या राज था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं हॉकमैन को, जो कह रहा था, हर रात मुझे सपना आता है कि मैं बर्ड हूँ, बर्ड नहीं एक वॉरियर हूँ, और मैं उड़ रहा हूँ, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, नहीं ग्रेविटी, और मैं आजाद महसूस करता हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द एक नाइटमेयर आ जाता है, मेरे मसल्स वीकन हो जाते हैं, पंख टूट जाते हैं और मैं फिर से जमीन पर गिर जाता हूँ, और इसी के साथ मैं उस सपने से बाहर आ जाता हूँ और मैं यहीं पर इसी जगह पर वापस आ जाता हूँ हमेशा हमेशा से। और मैं यहाँ पर दिन अपने सपनों के हिसाब से गिनता हूँ, ना ही सन ना ही मून के हिसाब से। और तो हम देखते हैं एक आदमी को एक गुफा में, जो पत्थरों पर कुछ लिख रहा था। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है हॉकमैन फाउंड, और वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर आ रहे थे, जिस पर वो कहता है वो आ गए, वो वापस आ गए और इस बार मैं उनके लिए तैयार हूँ। और तब वो अपने हथियार रेडी करके उन लोगों की तरफ बढ़ता है और वो कहता है हर हफ्ते में एक बार वो यहाँ पर आते हैं प्रिजनर्स को लेने, और वो आसमान से उड़ते हुए टेरर पैदा करते हैं। बाकी सब लोग भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं उनसे लड़ता हूँ और मैं उनमें से एक एक को मार गिराता हूँ। और जब ऐसा हो जाए तब वहाँ से जाने का वक्त आता है। बाकी लोग सिर्फ मुझे देखते हैं किसी घोस्ट की तरह, और वो उस पर रिएक्ट भी नहीं करते। मैं जानता हूँ कि वो कौन है और वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये सब धुंधला होने लगता है जब सिर्फ ब्लड और बोन्स वहाँ पर बच जाती है, और इसी के साथ ये वॉर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं और भी कुछ जानता हूँ, वो ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ वॉर करने के लिए पैदा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ वॉर करने के लिए। और यही मेरी ज़िंदगी के डार्केस्ट आवर्स थे, जिसमें मैं अकेला ही था, अकेला उस केव में, और मुझे लगने लगा था कि ये केव कोई आफ्टर लाइफ है। लेकिन जब उनका गर्म खून मेरे हाथों में पड़ता है तब मुझे पता चलता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, और मैं ये तब तक करना नहीं छोड़ सकता जब तक उनमें से आखिरी बच्चा मैन हॉक मर ना जाए। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना है, और वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है और कह रहा था मुझे इस पर चढ़ के अपनी मंजिल हासिल करनी है, मुझे पता है कि मैं नीचे गिरूंगा, लेकिन इस बार नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा और इस बार ऊपर जाकर रहूंगा। और आखिरकार वो ऊपर चढ़ के उस स्पेसशिप को पकड़ता है जिसमें वो मैनहॉक्स भाग गए थे, और वो उस स्पेसशिप में एंटर करते ही उसे दिखते हैं बहुत सारे हथियार, जिन्हें देखकर वो कहता है लगता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया था, ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन बहुत गलत भी लग रहा है। ये वॉल्स उन आर्टिफैक्ट से भरी हुई है जो डेथ के सामान है, वेपन ऑफ टॉर्चर से, और ये म्यूजियम लग रहा है डेथ का। और जब वो एक मेस उठाता है तब उसे याद आता है कि वो कौन है, और वो कहता है अब मुझे याद आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। लेकिन तभी हॉकमैन कार्टर हॉल पर हमला कर देता है, जो कि हॉकमैन का ही अल्टर ईगो था, और कह रहा था तुम ये नहीं हो, तुम बिल्कुल भी ये नहीं हो, तुम्हारी आत्मा इसे बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती, तुम इससे अलग हो। और तब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हॉकमैन कहता है मुझे एक डिस्ट्रेस कॉल मिला था चैलेंजर्स माउंटेन से, लेकिन चैलेंजर्स डार्क मल्टीवर्स में कहीं पर खो गए थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हॉकमैन और कार्टर हॉल की आपस में लड़ाई चल रही थी, वही दूसरी तरफ वो कह रहा था मुझे चैलेंजर्स तो नहीं मिले, लेकिन मुझे मिल गई फॉर्ज ऑफ वर्ल्ड्स, यानी कि दुनियाओं की भट्टी, और इस यूनिवर्स में जो कि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था वहाँ पर मुझे मिली सिर्फ डार्कनेस, और मैंने उसे शाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैं अकेला ही एक आदमी था जो उस फोर्ज ऑफ वर्ल्ड्स में काम कर रहा था, वहाँ की सारी लाइफ मुझ पर डिपेंड कर दी थी और मेरी डेस्टिनी भी, और कोई भी मुझे उस फोर्ज से अलग नहीं कर सकता था सिवाय इन नाइटमेयर्स के। और तब कुछ नाइटमेयर्स कार्टर हॉल को वहाँ से ले जाकर प्रिजन में कैद करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अपनी लड़ाई में हॉकमैन कार्टर हॉल से कह रहा था मैं तुम्हें फिर से प्रिजन में डाल दूंगा, और तुम जानते हो कि हम दोनों ही एक दूसरे के थॉट्स शेयर करते हैं, क्योंकि मैं ही तुम हो। जिस पर कार्टर हॉल कहता है तुम एक मिस्टेक हो, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, बाकी कुछ नहीं। जिस पर कार्टर हॉल से हॉकमैन कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सच में ये हो, तुम इसे रियलाइज कर सकते हो। कार्टर हॉल तुम एक ग्रेट एक्सप्लोरर हो जो कि कोई भी डिस्कवरी नहीं कर पाया, और अब तुम मरोगे और मैं जीऊँगा, और तुम्हारे मरने के बाद मैं कैंड्रा की तरफ बढ़ूंगा। और इतना सुनते ही
कार्टर हॉल हॉकमैन को एक पंच में ही गिरा देता है और कहता है, कैनरा उसके बारे में मैं तो भूल ही गया था, उसने मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है उसने मेरे साथ, वो मेरे माइंड तक पहुंच गया और उसने मुझे हॉकमैन से एक आम आदमी बना दिया और अब वो मुझसे कुछ भी नहीं ले सकता, मेरी यादें भी नहीं। और वो हॉकमैन को मारते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ तो गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ पीसेस पड़े हैं जो कि फिट नहीं होते, इस जगह ने मुझसे बहुत कुछ लिया है इसलिए मैं इस जगह से वापस ले रहा हूँ। और वो हॉकमैन के पंख अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और तब वो उड़ने की कोशिश करता है जैसा कि वो अपने सपनों में देखता है। और वो कहता है, बहुत सारी जिंदगियों से, बहुत समय पहले से ही, बहुत सी यादों में मैं इस पॉसिबिलिटी को ट्राई करना चाहता था, यहाँ पर मैं उड़ सकता हूँ बिना किसी सहारे के और अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, बिना किसी गिरने के डर के मैं अब उड़ना सीख गया हूँ, मैं हूँ हॉकमैन और मैं घर आ रहा हूँ। और वो हमेशा की तरह कहता है, मुझे हर रात लगता है कि मैं एक बर्ड हूँ, बर्ड नहीं एक वॉरियर हूँ और मैं सिर्फ फ्लाई करने के लिए बना हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ग्रेविटी भी नहीं। उसी रात एक नाइटमेयर आ जाता है और वो नाइटमेयर मुझे नीचे गिरा देता है और उसी के साथ उसके पंख टूट जाते हैं और कार्टर हॉल नीचे गिरने लगता है। और तब हम देखते हैं ड्रैगन ऑफ बारबाडोस, वो कह रहा था सब मुझे फिर से ब्लैकनेस में ले आते हैं और तब हम देखते हैं कि कार्टर हॉल ही ड्रैगन ऑफ बारबाडोस बन चुका था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी पता हो जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय।